कि ये चीज जो है ये भी गवर्नमेंट को पैरेलल चलानी चाहिए साथ साथ, या बस एक ही तरफ हो जाते हैं कि नहीं बस बॉर्डर ही देखने हैं, अंदर जो लोग हैं उनको नहीं देखना। देखिए, एक तो ऐसा है कि अच्छा हुआ कि आपने चौधरी साहब को कश्मीर के मुद्दे से बाहर निकाल दिया, क्योंकि कश्मीर पर अगर हम चर्चा करते तो कहीं नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आपने बताया कि वाजपेयी साहब सिंसियर थे, इसके बाद ये नहीं बताया कि कारगिल क्यों हुआ, इसके बाद मनमोहन सिंह सिंसियर थे लेकिन मुंबई हमला क्यों हुआ, इसके बाद मोदी सिंसियर थे वो खुद वहां लाहौर गए लेकिन फिर वो कई एक घटनाएं हुई ना, तो कश्मीर से आपने चौधरी साहब को बाहर निकाल दिया, अच्छा किया, क्योंकि कश्मीर पर इस तरह की केवल अपनी बात करते रहने से कहीं नहीं पहुंच पाएंगे हम। और जहां तक ये बात है कि ये ठीक है कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को मोदी पसंद नहीं है, भारत में भी बहुत लोगों को नहीं पसंद है, वो खुली आलोचना करते हैं, कई बार आलोचना जायज होती है, लेकिन ये कहना कि मोदी सरकार काम नहीं कर रही है जनता के लिए, तो देखिए आज ही हिमाचल प्रदेश में जो कि लद्दाख से जुड़ा हुआ स्टेट है, वहां पर एक 9 किलोमीटर की टनल का उद्घाटन किया है जो ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल है, और उससे बहुत सी दूरी कम हुई है और उससे जो है सीमाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। तो ये कहना कि आप अपनी सरकार के कामकाज के बारे में आप बेहतर बता सकती हैं, चौधरी साहब बेहतर बता सकते हैं, मोदी सरकार के कामकाज से बहुत लोग नाखुश हो सकते हैं, होंगे भी, लेकिन वो जनता के हित की चिंता नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, ये बात सही नहीं होगी। काम वो कर रही है, ये बात हो सकती है कि वो काम जनता की उम्मीदों के हिसाब से ना हो, क्योंकि केवल एक जो जो आज जो अटल सुरंग का उद्घाटन हुआ है केवल उसकी बात ही नहीं है, इसके पहले कई एक परियोजनाएं, बड़ी परियोजनाएं, बड़े प्रोजेक्ट भारत सरकार ने अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू किए हैं। इसके बावजूद मैं ये भी मानता हूं कि जो भी काम सरकार ने किए हैं या कर रही है या कर चुकी है, उसके बावजूद जनता की उम्मीदें कुछ और की हैं, और बेहतरी की हैं, तो उस बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है, कई बार बेहतर तरीके से करती है, कई बार नहीं कर पाती है, लेकिन ये कहना कि वो जनता के कामों पर ध्यान नहीं दे रही है, ये ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है इसके बारे में पाकिस्तान के लोग, चौधरी साहब जैसे लोग, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो ये कोई कि सरकारें अपने लोगों की चिंता नहीं कर रही हैं, ये बात पूरी तौर पर सही नहीं होगी। चिंता कर रही हैं, ये है कि चिंता करते हुए वो जो जरूरी काम है वो हो सकता है कि उतने अच्छे से, उतनी प्रायोरिटी से ना हो पा रहे हों। तो ये बहुत जरूरी है कि डिस्कशन में हम एक एक कूची से किसी चीज को रंगने से बचें। और ये अच्छा हुआ कि आपने कश्मीर मुद्दे को इस चर्चा से बाहर कर दिया, क्योंकि उसमें हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, और चाइना का नाम लेके भारत को डराने से भी कोई बात बनने वाली नहीं, क्योंकि भारत जो है अब किसी से डरने वाला नहीं है, और चाइना को भी ये पता हो गया है, वरना वो वहां पर तरह सीमाओं पर तरह तरह की नौटंकी कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ने की ना हिम्मत पड़ रही है उसकी और ना पीछे हटने, क्योंकि वो फंस गया है कि जाएं तो कहां जाएं। तो पाकिस्तान के लोगों को चीन बहुत पसंद है, सब भारत के लोग जानते हैं, और चीन में जो चीजें वहां की सरकार करती है वो पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, अगर वाकई अच्छी लगती हैं तो उनको मुबारक हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आज की तारीख में दुनिया का सबसे बदनाम देश अगर है तो वो चीन है, दुनिया के सबसे लोग अगर किसी चीज किसी देश को नापसंद करते हैं तो वो चीन है, चीन अगर ना अगले नॉर्थ कोरिया के रूप में देखा जा रहा है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो चीन की चर्चा भारत पाकिस्तान के उसमें हो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चीन से भारत अपनी तरीके से निपटेगा और पाकिस्तान अपनी तरह से दोस्ती करेगा, और इस दोस्ती में ये भी भुला देगा कि वहां पर कोई उइघर मुसलमान भी रहते हैं, क्योंकि इमरान खान कहते हैं तो मैंने तो सुना नहीं, मैंने तो जाना नहीं, मुझे तो पता नहीं, उन लोगों से तो ऐसे बात नहीं करते हैं। तो जो मुद्दा है उसको वहीं तक सीमित रखा जाए तो बेहतर होगा।
जी चौधरी साहब, मैंने असल में कश्मीर को इसलिए इधर से बाहर जिसे कहते हैं राजीव सर कह रहे किया है कि हम इस पे पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, और आज मेन फोकस यही था कि जो आम पब्लिक है उसके लिए दोनों गवर्नमेंट्स क्या करेंगे। तो जैसे उन्होंने एक दो प्रोजेक्ट्स बताए मोदी जी के, तो सर आप भी बताइए कि इमरान खान साहब ने कोई प्रोजेक्ट किया हो जो हमारे आवाम के लिए हो। देखिए, मैं जब दो देशों की बात करती है ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तो ऐटोमेटिकली ये जो चीज़ें हम कह रहे हैं वो आती हैं। ये चीन को चीन चीन का लफ्ज़ सुनना भी नहीं चाहते, फिर बहुत सी बातें भी कह जाते हैं, मगर मैं उस टॉपिक पर नहीं जाऊंगा। आप सही कहते हैं कि देखें, पाकिस्तान वो मुल्क है जो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में ये खैबर पास से लेकर कराची तक मोटरवे है, जो हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में दूर तक भी नहीं है। इस गवर्नमेंट ने क्या किया, 1,60,00,000 फैमिली को इसास प्रोग्राम के जरिए 12,000 रुपए मंथली दिए। इस गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए, जनता के लिए पूछ रहे हैं ना, गरीबों के लिए क्या क्या शेल्टर होम्स हर शहर में के जो गरीब मजदूर हैं या मुसाफिर हैं उनके लिए वो बनाए। खैबर पख्तूनख्वा पूरा हो गया हुआ है तकरीबन, मेरे ख्याल में कम बेश 4 करोड़ लोगों के लिए सेहत कार्ड दिए, जो 10,00,000 तक वो इंश्योर्ड हैं कि अगर आपको कोई सीरियस इलनेस हो गई है तो वो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। वो गवर्नमेंट ने किए, जिसमें सूबों के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा तकरीबन 100% जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस है उनके लिए। पंजाब में आधे हो चुके हुए हैं, सिंध में आधे हो चुके हुए हैं, कश्मीर में तकरीबन हो चुके हुए हैं। मैं ये वो कह रहा हूँ कि पिछले 2 सालों में ये इस गवर्नमेंट ने क्या किया या क्या किया। देखिए, मैं जब ये कहते हैं ना, भाई साहब कह रहे हैं जी के मसला आ जाता है, मसला तब आता है जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों की तरक्की क्यों रुकी या पाकिस्तान के लोगों की तरक्की क्यों रुकी। और तरक्की रुकने की वजह मैं जब ये कह रहा हूँ, बता दें कि कश्मीर के अलावा और कोई चीज इन दोनों मुल्कों के दरमियान तो नहीं थी। मैं ये कह रहा था कि लीडरशिप को चाहिए था, आज 70 साल के बाद भी जब आप मान लें कि वाकई ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम जो होती है वो रिजोल्व होती है, वो सिंसियरिटी के साथ रिजोल्व होती है, वो एक दूसरे को ब्लेम करने से नहीं रिजोल्व होती है। मैं जब ये कह रहा हूँ, फर्ज करें आपने यूनाइटेड नेशन का जिक्र किया, अगर जब तक ये रिजोल्व नहीं होगी, ये नफरत बड़ी है, कम नहीं हुई। आज अगर आप देख लें हिंदुस्तान गुर्बत की किस नेज पे है, हिंदुस्तान में 70-80 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो गुर्बत की लाइन से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, जो जो हिंदुस्तान आपका मीडिया या जो आपका हिंदुस्तान आपका फिल्मी कल्चर पोर्ट्रेट कर रहा है वो दुनिया को दिखा रहे हैं, और हिंदुस्तान भी यही सांस में मुतला हो चुका हुआ है कि शायद हम इतने सक्सेसफुल हो चुके हुए, वेरज हकीकत आज भी दिल्ली की सड़कों पर, बॉम्बे की सड़कों पर, कलकत्ते की सड़कों पर लाखों लोग वो सड़क के फुटपाथ पर सोते हैं, बहुत से वाकया भी हुए, वेरज पाकिस्तान में कोई ऐसा गरीब नहीं है जो फुटपाथ पर रहता हो। ये आरजू इस चीज की बेहतर गवाही दे सकती है, क्योंकि मुझे पता है कि ये वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट है हिंदुस्तानियों के लिहाज से, और मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं आपकी गुफ्तगू का काउंटर नहीं कर रहा, मैं वो हकीकत बता रहा हूँ कि जब हम कश्मीर का मुद्दा क्यों आ जाता है बीच में, इसमें कोई शक नहीं, मैं हूं भी कश्मीरी। चीज आपसे कहता हूँ, जो हुक्मरान जुल्म करेगा, एक ऊपर से भी निजाम है कुदरत का, वो मुल्क ना तरक्की कर सकेगा ना आगे बढ़ सकेगा। जब कश्मीर बीच में आ जाता है आपके सामने, मैं आप जैसे भाइयों के, आप जैसे लोगों को कहता हूँ कि जो जुल्म और जबर वहां पे कश्मीर में हो रहा है आप रुकवा सकते हैं, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनको इखलाकी मदद प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने टेररिज्म का जिक्र किया, ये वो बातें आ जाती हैं बीच में जो आप फर्जी बात तो कह जाते हैं मगर मुझे उसका जवाब देना पड़ता है। आप टेररिज्म कह रहे हैं कि अगर 9,00,000 फौज हिंदुस्तान ने कश्मीर में रखी हुई है, इसके बावजूद पिछले 10 साल से यूनाइटेड नेशन या दुनिया के सब ऑब्जर्वर कह रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर कोई टेररिज्म नहीं है, ये तहरीक इंडिजनस है।
इंडिजिनस तारीख में क्या होता है कि आप लोगों की नफरत खत्म करें, वो नहीं खत्म हो सकी, वो और बड़ी। वहां पर दो पार्टियां थी, दो लीडर थे जो प्रो हिंदुस्तान के थे, एक फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला उसका बेटा, या महबूबा मुफ्ती जो कोलिशन पार्टनर थी बीजेपी की। आप देख लें आज वो भी कह रहे हैं कि कायदे आजम का फैसला सही था। ये वो मैं बातें कर रहा हूं जो आपके मीडिया के थ्रू हमारे कानों तक पहुंचती है। ये बातें सब आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जिस वक्त भी पैनलिस्ट, कोई भी जर्नलिस्ट बिठाएगा, चाहे वो इमरान खान को बिठा दें, चाहे वो आपके कपिल देव को बिठा दें, तो वो इसलिए जिक्र आता है कि हमें, हम चाहते हैं कि इस दलदल से बाहर निकलें, और इस दलदल से बाहर निकलने का सिर्फ एक वाहद रास्ता है, जिस तरीके से भी कश्मीर रिजोल्व होगा तो ये दोनों दोस्त प्रोस्प्रेस होंगे। मैंने क्यों मिसाल दी थी कि आज से 400 साल पहले हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, और हकीकत में थी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, और किस वजह से कि एक हार्मनी थी, हिंदुस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क था, वो दुनिया को खाने के लिए फूड सप्लाई किया करता था। आपके सामने तीन, आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों को ब्लेम दे रहे हैं, मैं कहता हूँ ये हमारी नाअहली है कि वो चले भी गए, और आज फिर हम क्यों उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। पार्टीशन के वक्त जो कत्लेआम हुआ वो एक तारीख का हिस्सा है, जो नफरत बनाएगी वो आज एक तारीख का हिस्सा है। उसके बाद ना आपकी लीडरशिप ने कोई ऐसा रास्ता निकाला कि हम ये जो नफरतें खत्म करके, ये डिस्प्यूट रिजोल्व करके, हम शोल्डर टू शोल्डर चलें और एक बार फिर दुनिया को ये साबित करें कि हम भी एक नेशन है। मगर आई एम वेरी सॉरी टू से, आपके आपका भी जो निजाम या सिस्टम है उसने वो नफरत और ज्यादा की, चाहे वो आपका ये जो लेटेस्ट नेशनलिटी एक्ट आया है, चाहे वो दलितों के खिलाफ जो आपकी नफरत है, आपकी हुकूमतों की नफरत है, आपके निजाम की नफरत है, चाहे वो क्रिश्चियनों के खिलाफ है, ये सारी की सारी चीजें किसी भी मुल्क को प्रोस्प्रेस नहीं होने देंगे, वो पीछे धकेलेंगी। और आज चाहिए हिंदुस्तान को भी कि जहाँ पे आप, इसमें कोई शक नहीं है, मुकाबला ये होना चाहिए कि आपके लोग कितने आज़ादी से, कितने अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हमारे लोग कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हमारे लोगों की कितनी अच्छी इनकम है, हमारा मुल्क कितना डिवेलप है, आपका मुल्क कितना डिवेलप है। मगर बदकिस्मती से आप जहाँ से बात शुरू करेंगे वो वहीं पर आ जाएंगे जब पैनलिस्ट इन दोनों मुल्कों के होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि कश्मीर पर सुई अटकी रही अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आप देखिए कि 1970 तक, 70 की दहाई तक, कई मामलों में पाकिस्तान भारत से बेहतर स्थिति में था। 80 के बाद स्थिति थोड़ी बदली, 90 के बाद जब पाकिस्तान ने कश्मीर में टेररिज्म को गले लगा लिया, वहां पर जिहादी तंजीमें तैयार करनी शुरू कर दी, उनकी भेजनी शुरू कर दी, तो आज आप स्थिति देखिए कि पाकिस्तान कहाँ है इकोनॉमिक मामलों में और इंडिया कहाँ है। नो डाउट भारत में बहुत समस्याएं हैं, गरीब हैं, लोग फुटपाथ पे रहते हैं ना, ये कोई नहीं कहता कि भारत में सब कुछ ठीक हो गया है, बहुत तरक्की कर गया है और हमें सुपर पावर बन गया है। नो डाउट कि भारत में तमाम समस्याएं हैं, लेकिन 1990 के बाद भारत ने तरक्की का रास्ता पकड़ा है, तेजी से ग्राफ उसका ऊपर गया है, और पाकिस्तान की स्थिति यह है कि आईएमएफ से कर्ज लेने की नौबत आ रही है, चीन से, सऊदी अरब से कर्जे ले लेकर काम चलाना पड़ रहा है। तो कश्मीर का ये जो राग अगला अलापना पाकिस्तान ने बंद नहीं किया और अपनी आवाम को उसके खुमार में नहीं नचाया, नचाना बंद नहीं किया, तो उसकी और बदहाली होगी और बर्बादी होगी। आपने जिक्र किया कि कायदे आजम का फैसला बहुत ठीक था, जिन्ना साहब की बात कर रहे हैं, अगर आपको कायदे आजम का फैसला ठीक लग रहा है तो आपको मुबारक हो, लेकिन आप सोचिए कि आज 20 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में है, उस ज्यादा भारत में है, इतने ही लगभग बांग्लादेश में है, और पाकिस्तान में की जो आवाम है उसमें आप भारत के दलितों की चिंता कर रहे हैं, दूसरे लोगों की चिंता कर रहे हैं। भाई अगर, जैसा मैंने पहले कहा कि आप अपनी अपनी चिंता करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप बताइए
कि आपके यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं हिंदू सिख ईसाई उनके साथ जानवरों से बदतर व्यवहार हो रहा है। केवल उनके साथ ही नहीं, उनके तो कोई आवाज भी नहीं सुनता है। उनके खिलाफ कोई, उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके पक्ष में कोई आवाज लगाने वाला नहीं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। न केवल पॉलिटिकल पार्टियां बल्कि सरकारें, यहां तक कि अदालतें भी, वो 14-14, 12-12 साल की बच्चियों को कह देते हैं कि नहीं, जिन्होंने तुम्हारा किडनैप किया है उन्हीं के साथ जाओ। तो कायदे आजम ने तो तबाही ला दी पूरे खित्ते में। उन्होंने मुसलमान जो एक बड़ी ताकत बनता है हिंदुस्तान में, उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया। और पाकिस्तान में मुसलमानों की क्या हालत है कि पहले कादियानी को जो है उनको काफिर करार दिया, अब शिया काफिर होने वाले हैं। कुछ दिनों बाद आप देखिएगा कि सुन्नी और बरेलवी और अहले हदीस वाले एक दूसरे को काफिर करार देंगे। और फिर भी आपको लगता है कि कायदे आजम ने बहुत ठीक किया, तो आपको मुबारक हो। एक बात और आपने कही कि कश्मीर में 9 लाख फौज है, कुल 12-13 लाख फौज है, 9 लाख हम लोग कश्मीर में लगा देंगे। लेकिन चूंकि आपको ये अच्छा लगता है कि भारत ने वहां सब पूरी फौज लगा दी है, तो आप माने रहिए, आप ये भी कह दीजिए कि भारत की पूरी फौज जो है कश्मीर में है। आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप मान लीजिए और अपने लोगों को भी बताइए। आप कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को बहुत जुल्म हो रहा है। भाई जुल्म की बात तो वो करे जो बलूचिस्तान के लोगों को ढंग से रखना सीख सके, जुल्म की बात तो वो करे जो पश्तूनों के साथ ढंग से व्यवहार करे, ढंग से बर्ताव करे। तो जैसा मैंने पहले कहा, फिर कहूंगा कि आप भारत की चिंता करना छोड़ दें, अपने मुल्क की चिंता करिए। जहां सरकार जो है कोई और चला रहा है और एक के बाद एक तबके फिरके काफिर करार दिए जा रहे हैं, तो ये इस तरह का डिस्कशन आरजू जी का हमने बहुत देखा है, जिसमें लोग भारत और पाकिस्तान के बारे में एक दूसरे से शिकायत करते हैं और बताते हैं कि आपके यहाँ ये है, आपके यहाँ वो है। भाई आपको लगता है कि कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, वहां के लोग कितने खुश हैं गिलगित बाल्टिस्तान में, और जो आपके कब्जे वाला कश्मीर है, आप तो बड़े शौक से बोलते हैं मकबूजा कश्मीर, वो उस पे क्या आपका है वो कश्मीर, किस हिसाब से आपका है? तो इस तरह की बातों से हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आप अपने लोगों की चिंता कीजिए, अपने मुल्क की चिंता कीजिए, फिर आप ये सवाल कर सकते हैं कि वहां तो बहुत जुल्म हो रहा, वहां ये खराबी है, गरीबी है, और नरेंद्र मोदी ने नफरत फैला दी है। भाई आपकी जो है, जो आईएसआई है और जो आपकी सेना है, वो कितनी जिहादी तंजीमों को पाल रही है, जिन लोगों ने पेशावर हमले को अंजाम दिया उनको पालती पोसती है। आप लोग असल में सच नहीं सुनना चाहते, और जब तक सच सुनने से इनकार करेंगे तब तक किसी को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। इस तरह के डिस्कशन से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे ना। और आरजू जी का भी ये जो कहती हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच के लोगों में बातचीत हो, डिबेट हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने लोगों की चिंता कीजिए, उनके बारे में सोचिए, और भारत की चिंता करना छोड़ दीजिए। कृपा करके, दया करके, भारत के लोगों की चिंता करने छोड़ दीजिए। जो कश्मीर के लोग हैं वो भारत के ही हैं, भारत में ही रहना चाहते हैं, वरना कश्मीर से जो आपके हिस्से का कश्मीर है वहां के धरना प्रदर्शन नहीं हो रहे होते कि हमको यहाँ से मुक्त करो। आपके वहां के कभी रिप्रेजेंटेटिव गए थे जिनेवा, जिन्होंने कहा कि हमें हिंदुस्तान मिला लीजिए। इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि कश्मीर से पर जो आप लोगों की सुई अटक गई है और उसके चक्कर में पूरा वतन गुमराह है, और गुमराह इसलिए कि सेना को इसमें मजा आता है, उसको मलाई खाने को मिलती है। आप तो हर चीज में फौज को आगे कर देते हैं, तो जब फौज मुल्क चलाएगा और पूरी आवाम को एक ऐसे मसले पे गुमराह रखा जाएगा जो वस्तुतः उसका कोई लेना देना नहीं। कितने आपके लोग हैं जो कश्मीरी जबान बोलना जानते हैं? मुश्किल से 2-4 लोग होंगे तो बड़ी बात होगी। तो कृपा करके इस तरह के डिस्कशन से बचें, और कश्मीर पर जो आप लोगों की सुई अटकी है उसको जरा कहीं आकर के बलूचिस्तान में ले जाएं, पश्तून के बीच ले जाएं, तो ज्यादा अच्छा होगा। चौधरी साहब, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से, लेकिन आज मैं छोटी छोटी देखें, इन्होंने ना 1980 से शुरू किया, पाकिस्तान ने कोई एडवाइस नहीं किया था इंदिरा गांधी को कि तुम अपनी फौज की चढ़ाई दरबार साहब पे कर दो और सिक्कू का कत्लेआम करो। उन्होंने इनका नाटका बंद किया कश्मीर का। मैं जो कह रहा हूँ ना, कायदे आजम को किसने कहा कि कायदे आजम की लीडरशिप सही थी, उसका फैसले सही थे?
वो लीडरशिप जो मकबूजा कश्मीर में रह गई थी, जिन्होंने हिंदुस्तान यूनाइटेड इंडिया के साथ वो जो गए थे, आज वही पछता रहे हैं, वही कह रहे हैं। महबूबा मुफ्ती कह रही है, शेख अब्दुल्ला कह रहा है कि कायदे आजम के फैसले दुरुस्त थे, ये भाई साहब कह रहे हैं, वही इनका वही हिसाब है कि मुंह पे राम राम और बगल में छुरी, इनके अंदर जो हिंदुत्व है ना वो अब सामने आना शुरू हो गई है। मेरी बात सुने, 30 करोड़ मुसलमान है हिंदुस्तान में जिनकी आप लोग आज लिंचिंग कर रहे हैं, वो जीनत बाग पे जो आप लोगों ने अशर किया है वो दुनिया देख रही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुसलमान आज पछता रहे हैं कि हम क्यों पीछे रहे। और एक मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि उस हिंदुस्तान में एक और पाकिस्तान बनेगा और उसका वक्त बहुत नजदीक आने वाला है। और मैं ये भी तुम्हें कह रहा हूं कि कश्मीर हमारा है, मैं कश्मीर का बेटा हूं, और अगर ना लिया तो तुम देखने, तुम कहना कि ये मर्दों की बात नहीं है, यहां तक रहेगी आर्मी के, तुम्हारी वो आर्मी है जो दिन रात दाल का एक ठूठा लेकर दुनिया को दिखाती है कि मेरे पैसे मेरे अफसर ले जाते हैं, मेरी बीवियां मेरे अफसर ले जाते हैं, वो कहती है कि मैं भूख से मर रहा हूं और मुझसे ड्यूटी करवा रहे हैं, यहाँ की फौज आपके फौजी कह रहे हैं, और 1100 वीडियो ऐसे, मुझे कर्वे अपनी फौज पे, मैं हकीकत से कहता हूँ, और ये फौज पाकिस्तान की फौज है जिसने जो जो दुनिया का मुकाबला कर सकता है, कर सकती है। आप चाइना को कह रहे हैं, हम चाइना का किसी को डर नहीं दिखाते। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान एक शेरों की आर्मी है, और जो वक्त नजदीक आने वाला है कि आपको ऐसे करके ये गायब करेगी, और ये वक्त आ रहा है अभी, आप लोग बंदे नहीं बनने वाले, आप लोग उस चीज पर नहीं आ रहे कि अमन होना चाहिए। इमरान खान ने आपको मैसेज दिया था कि हम अमन चाहते हैं, आप लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया, अब तैयार हो जाए। पहले तो आधा आधा हिंदुस्तान तो अभी इंडिया बगैर हिंदुस्तान है जो वो चाइना बगैर किसी मुकाबले के ले गया। आप किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारा चौधरी साहब एक सेकंड देखिए, बिल्कुल मैंने यहाँ पे आराम से डिबेट करने के लिए आप लोगों को बुलाया था, बिल्कुल आप लोगों ने एक दूसरे से इस तरीके से बात नहीं करनी है। मैं यहाँ पे बिल्कुल अभी शो क्लोज कर ली थी, क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन ना बिल्कुल आराम से बात करनी थी। कारजू जी, जो मेरी फौज को कुछ कहेगा मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, मैं कह रहा हूँ कि उनको, मैं बड़ी प्रिंसिपल गुफ्तगू कर रहा था, ये वो ताने मीने पे आ गए, मैं उनको एहसास दिला रहा था कि ये वजह है जिसकी वजह से ये मुल्क तरक्की नहीं कर रहे, मगर वो सीधे आगे। मैं कह रहा हूँ कि मुझे अपनी फौज पे फख्र है, और मुझे अपनी फौज के साथ अगर लड़ना पड़ गया तो कश्मीर के लिए लड़ूंगा। आप बिल्कुल लड़िए, फौज से ना लड़ पाए तो आप किसी जिहादी तंजीम में शामिल हो जाइए, जो आपका मन करे वो करिए। मैं एक बार फिर कहूंगा कि ये मुगालता पालना छोड़ दें कि भारत का ये कर देंगे और कश्मीर ले लेंगे। मैं जो है इस नहीं होता हूँ, जो इस तरह की बातें होती हैं उसमें कतई मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए, कश्मीर आप ले सके तो ले लीजिए। आपको देखिए चौधरी साहब, मुगालते का कोई इलाज नहीं है और वो इलाज मैं भी नहीं कर सकता। नहीं, आप बहुत शुक्रिया तो करूंगी आप दोनों का कि आप दोनों आए, और बिल्कुल मैंने इस तरह की तूतू मैमे वाली डिबेट ना कभी की है ना मुझे आदत है, चाह रही थी कि आप लोग आराम से बात करें, लेकिन नहीं आओ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया राजीव सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू सो मच चौधरी साहब, थैंक यू।